वजन बढ़ाने और मसल्स बनाने का एक ही मंत्र है, अच्छी डाइट और अच्छा पाचन। एक ऐसी डाइट जिसमें प्रोटीन, कार्ब्स और हेल्दी फैट के साथ विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो और उसको आपका पाचन तंत्र अच्छे से भी पचा सके। आजकल मसल्स गेन करने के लिए युवा लोग सिंथेटिक जिम प्रोटीन पाउडर, वे प्रोटीन पाउडर और ना जाने क्या क्या इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके साइड इफेक्ट से परेशान होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी डाइट में थोड़ा सा बदलाव करके अच्छे मसल्स बना सकते हैं। अगर आप अच्छे मसल्स पाना चाहते हैं तो तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, एक एक्सरसाइज, दूसरा डाइट और तीसरा आराम। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वजन बढ़ाना और अच्छे मसल्स बनाना मुश्किल है। हमारे डेली रूटीन में चलने फिरने से लेके सांस लेने तक के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, जो हमें हमारी डाइट से मिलती है। इस एनर्जी या हिंदी में कहें तो ऊर्जा को नापा जाता है कैलोरी में। जैसे हम अपना वजन को नापने के लिए किलो और ग्राम का यूज करते हैं, वैसे ही एनर्जी को कैलोरी में नापते हैं। एक 20 से 30 साल के युवा को नॉर्मल डेली रूटीन के लिए अपने वजन को लगभग 20 गुना कैलोरी चाहिए। वहीं अगर आप वजन बढ़ाकर मसल्स बनाना चाहते हैं तो आपको वजन के लगभग 30 गुना कैलोरी की जरूरत होगी। मान लीजिए अगर आपका वजन 100 किलो है और आप मसल्स बनाना और वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको लगभग 3000 कैलोरी की जरूरत होगी। आप सोच रहे होंगे, 2 लीटर दूध पी लूंगा, 50 ग्राम घी खा लूंगा, 8 रोटी और दाल चावल, हो गई 3000 कैलोरी। मगर ये गलत है। कैलोरी भी आपको तीन तरह से लेनी है। आपकी 3000 कैलोरी का 45% हिस्सा आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब से, 15% हिस्सा फैट से और 40% हिस्सा प्रोटीन से आना चाहिए। इन तीनों का बैलेंस में होना भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्ब्स की। इसके लिए आपको ब्राउन राइस, कुट्टू का आटा, राजमा, मसूर की दाल, आलू, केला या फिर ओट्स का इस्तेमाल अपने खाने में करना है। ये सब हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स में आते हैं। फैट से कैलोरी पाने के लिए अपनी डाइट में सोया मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, सोयाबीन, टोफू या पनीर, मक्का, अवाकाडो और ड्राई फ्रूट जैसे काजू, बादाम और अखरोट ले सकते हैं और इसी तरह से प्रोटीन रिच डाइट लें। दोस्तों, अब आपने अच्छी डाइट ले ली और फिर आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आपको आराम करने की भी जरूरत है। बहुत लोगों का मानना है कि एक्सरसाइज के बाद अगर आप 20 से 30 मिनट सोते हैं तो ठीक है, मगर उससे ज्यादा नहीं सोएं। और रात में 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी है, जिससे आपके मसल्स में अगर कोई टूट फूट हुई है तो उसे ठीक होने का भी और मसल्स को रिलैक्स होने का भी पूरा समय मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपने एक्सरसाइज कर ली, आराम कर लिया और अच्छी डाइट भी ले ली, मगर जैसे मैंने शुरू में बताया था, अच्छी डाइट के साथ साथ आपके पाचन तंत्र का दुरुस्त होना भी जरूरी है। अगर आपका पाचन तंत्र अच्छा नहीं होगा तो आपको गैस, कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन भी हो सकते हैं और सारे किए धेरे पर पानी फिर जाएगा। तो अपने पाचन तंत्र का जरूर ध्यान रखें, जैसे सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं जिससे आपका पेट अच्छे से साफ हो। आप इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हैं और अपना वजन बढ़ाने के साथ साथ अच्छे मसल्स बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी। मगर फिर भी डाइट को लेकर या फिर किसी और समस्या को लेकर आप हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।